अगर फ्रेंड्स आपके पास Redmi का Note 12 Pro है और आपको इस फोन में लगाना है फिंगरप्रिंट लॉक, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे फिंगरप्रिंट लॉक को लगा सकते हो, और नया फिंगरप्रिंट अगर आपने लगा रखा है और दूसरी फिंगरप्रिंट को आप इस फोन में ऐड करना चाहते हो तो उसको कैसे ऐड करते हैं, फिंगरप्रिंट की आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए पहले इस फोन की सेटिंग में जाना होगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा साउंड पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस फोन में सबसे पहले तो आपको स्क्रीन लॉक सेट करना रहता है। तो स्क्रीन लॉक सेट करने के लिए स्क्रीन लॉक पर पहले क्लिक कीजिए। स्क्रीन लॉक तीन तरह से लॉक कर सकते हो, जो कि पैटर्न, पिन और पासवर्ड के जरिए। जो भी लॉक रखना चाहते हो स्क्रीन लॉक के लिए उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ गॉट इट पर क्लिक करना है। गॉट इट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। जो भी लॉक आप रखना चाहते हो स्क्रीन लॉक के लिए उसको डालिए एंड कन्फर्म कर दीजिए। अब आपको यहाँ ऐड फिंगरप्रिंट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ से पहले कैंसिल करेंगे। अब आपको यहाँ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपसे स्क्रीन लॉक पूछा जाएगा। तो यहाँ स्क्रीन लॉक के लिए आप सेट कीजिए। अब किस फिंगरप्रिंट को लगाना चाहते हो इस फोन के अंदर उस फिंगर को ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से फिंगरप्रिंट आपको टच कराना है, और टच कराने के साथ साथ इसको मूव भी करना है। जितनी फिंगरप्रिंट रेखाएं आपकी वो सभी ऐड होने चाहिए इस फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर। फिंगरप्रिंट जब आपका सेट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिला है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्टेड रहेगा प्रेस पर। अगर आप यहाँ टच के लिए सेलेक्ट कर दोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक होगी, और जैसे आप अपने फिंगरप्रिंट को टच कराएंगे डायरेक्ट स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन यहाँ पे ऑन होने पर ही आपका फिंगरप्रिंट काम करे तो यहाँ को प्रेस के लिए सेलेक्ट करना है। तो अब आपकी स्क्रीन ऑफ होने पर फिंगरप्रिंट को टच करेंगे तो स्क्रीन पे आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। जैसे अनलॉक करेंगे स्क्रीन को ऑन करेंगे तब आपको फिंगरप्रिंट काम करेगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट से आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो वो ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट पेमेंट भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शन ये भी मिल जाते हैं, इनके हिसाब से आप इनको भी सेट कर सकते हो। किसी दूसरे फिंगरप्रिंट को ऐड करना चाहते हो तो ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके किसी दूसरे फिंगरप्रिंट को आप फोन में लगा सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक को आप सेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।